तो आप सभी को वही केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज के बात करने बोलो यहाँ पे एसएससी जीडी की नई वैकेंसीज के बारे में। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे एसएससी वालों ने यहाँ पे बोला था और अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड भी किया हुआ है कि आज यहाँ पे यानी कि 27 अगस्त से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे नई वैकेंसीज के लिए शुरू होंगे। लेकिन आज यहाँ पे 27 अगस्त आ चुकी है लेकिन अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को लेकर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन फिलहाल इस समय भी यहाँ पे जेई शो कर रहा है कि 27 अगस्त को आपके फॉर्म शुरू होंगे और 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म की। जनवरी फरवरी 2025 में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, मुश्किल इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो आपकी पिछली भर्ती है अभी तक उसके जो फिजिकल की डेट है वो भी यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई। तो उम्मीद है कि जल्दी जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 35 से 40 हज़ार जो वैकेंसीज हैं, न्यू जो वैकेंसीज हैं 35 से 40 हज़ार एसएससी जीडी की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आज भी आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज आ सकती है। चांसेस हैं कि क्या पता नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाए ऑनलाइन फॉर्म के लिए। लेकिन अगर आज नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि थोड़े दिन तक आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा नई वैकेंसीज को लेकर। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम की जो तैयारी है वो यहाँ पे शुरू कर दीजिए। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे पिछली बार जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, जो नए कैंडिडेट हैं अगर वो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबको बता दूं हमारे पास एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 70 पीडीएफ आ चुके हैं, जिनमें आपको 9000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। हमारे 70 पीडीएफ में से एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको 70% क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई भी मार्केट से बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे जिस 70 पीडीएफ जो है, ये 9000 प्लस जो क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इनसे ही जो पढ़ाई है वो यहाँ पे करनी है। 70 पीडीएफ का जो प्राइस है हमने ओनली 300 यानी कि 300 रुपया हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ लेने हैं, जे नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मुझे मैसेज करिए। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट वाला नंबर या आपको स्कैनर भेजूंगा। आपने 300 पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो आप सबको बता दूं यहां पे एसएससी के द्वारा बोला गया है कि एसएससी जीडी के आज से यानी कि आज 27 अगस्त से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहां पे शुरू होंगे। लेकिन सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी तक इसका जो लिंक है वो यहां पे ओपन नहीं हुआ है, नहीं कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिला है। फिलहाल इंतजार करके देखते हैं, आगे कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में जो आपकी एज है यूआर के लिए यानी कि जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 साल रहती है। एससी और एसटी वालों के लिए जो एज है 18 से 28 रहती है। ओबीसी वालों के लिए जो एज है वो 18 से 26 साल यहाँ पे रहती है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।